बाजू वाले से हाथ मिलाई, बोली लेट्स गेट रेडी। कम ऑन लाउडली, लेट्स गेट। हम जिंदगी में अपने छोटे छोटे लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते, उसके लिए ऐसे कौन से 11 पॉइंट बताएं जो सेल्फ पे करें और उसे अचीव करें। गोल क्या है सर? गोल तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या अरे रुको, अगर आपके पास बहुत सारे गोल हैं तो आपके पास कोई गोल नहीं है। You can't chase two rabbits, boss. You got to chase only one rabbit. If you've got too many goals, that really means you've got no goal. तो पहले तो बहुत सारे गोल मत बनाइए, अपना बनाइए MEG, most essential goal. तो अब क्या करो, आज शांति से टी ब्रेक में 10 मिनट अकेले बैठना, most essential goal अपना लिखो जो आप नहीं अचीव कर पा रहे, और मेरे से फिर से पूछो। मैं आपके साथ हूँ संजीव जी, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, आपकी काम की बात करूंगा। इज दैट ओके संजीव जी? थैंक यू वेरी मच। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, हाउ कैन इट बी डन इन अ रिटेल काउंटर इन अ फूड बेस्ड प्रोडक्ट? ओके, आपके क्या नाम है बेकरी का? पेस्ट्री पैलेस। क्या बेचते हो सर? कुकीज, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, कस्टमाइज केक्स। ओके, सैंडविचेस, पैटीज, बर्गर भी बेचते हो? सब बेचते हो? ओके, पेस्ट्री पैलेस। यस, ठीक है। पेस्ट्री पैलेस की जगह अगर मैं होता, है ना, मैं आपका पहले बताओ, छोटे शहर में काम करते हो बड़े शहर में? सर दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। दिल्ली में काम करते हो, बहुत ही बढ़िया। दिल्ली में मैं काम कर रहा होता तो उसका नाम पेस्ट्री पैलेस नहीं रखता। क्या क्या नाम रखता मालूम? कुछ डिफरेंट, जो मतलब कुछ डिफरेंट से कोई मतलब नहीं है। पहले मुझे देखना है कि मेरे कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। ये क्या बकवास है, कुछ डिफरेंट नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए फ्रेमवर्क ही बड़े सिंपल है कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, ऐसे कैसे करूं कि मैं कभी वो मेरे बिना अपने आप कभी सॉल्व ही ना कर पाए। दो प्रश्नों का उत्तर, पहला तो पेस्ट्री पैलेस नाम ही गलत है। हाथ आगे लाए, क्यों पेस्ट्री पैलेस? मुझे तो समझ में नहीं आया पेस्ट्री पैलेस क्यों, या पेस्ट्री मिलती है, मैं क्यों आऊं लेने के लिए? कहीं भी मिलती है, सब जगह मिलती है, आपके पास क्यों आऊं? मैं अगर आउटलेट खोलता उसका नाम रखता कैलोरी काउंटर। क्या नाम रखता? कैलोरी काउंटर। कैलोरी काउंटर, और मैं उसमें हर एक आइटम के साथ में लिख देता इसमें इतना कैलोरी है। मैं इसको प्रीमियम करता, एक्चुअली क्या है, अपनी मार्केट पोजीशनिंग बदल देता। वही 50 रुपए की पेस्ट्री 500 रुपए की बिकती। कितने की बिकती? 500 की। जब मैं उसको यह दिखा देता कि ये पेस्ट्री अदरवाइज 700 कैलोरी की थी, पर आप हमारे यहाँ खा रहे हो तो ये आपको पड़ रही 79 कैलोरी की, या पड़ रही 119 कैलोरी की, और उसके चक्कर में आदमी मजे से आगे पेस्ट्री भी खाएगा, आपकी बेकरी भी खाएगा, जब उसको समझ में आएगा कैलोरी कम है इसमें। क्या मेरा बात समझ आ रहा है? यस नो? यस। और मैंने वहाँ पे मेन्यू में हर आइटम के आगे कैलोरी भी लिखा है, प्राइस भी लिखा है। तो जो प्रीमियम मार्केट है ना मेरे लिए, वो ढूंढ ढूंढ के घूम घूम के नॉर्थ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली तक आएगा आपके लिए गाड़ी चला के। मालूम क्यों? पतला रहने का उसको, वो ज़्यादा पैसा देगा, पर आपका कैलोरी काउंटर का पेस्ट्री खाएगा और आपको 100 का आइटम 500 में लेके जाएगा। अभी क्या बोले, नाम कुछ अलग होना चाहिए हटके। क्यों भाई? मैंने नहीं बोला अलग हटके। हाथ आगे लाइए, फ्रेमवर्क क्या है? कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम क्या? कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम। दूसरा, ऐसे कैसे सॉल्व करूं मेरे बिना ना कर पाए। अब आपके बिना वो कर ही नहीं पाएगा सॉल्व, किधर भी चला जाए वो। अभी यहाँ बाजू में होटल है, जहाँ 8-10 बड़े होटल है, यहाँ पे ताज भी है, ओबरॉय भी है, शेरेटन भी है, शांग्रीला भी है, यहाँ पे ललित भी है। किसी भी होटल में जाकर के मेन्यू में चेक कर लो, कोई कैलोरी नहीं बता रहा कितनी है, कोई भी नहीं बता रहा। कस्टमर आपके बिना अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकता था, वो केवल आपने करी। ऐसी ऑर्गेनिक मोनोपोली होगी ना, पूरा बाजार रो पड़ेगा, आंसू निकल आएंगे सबके वहां पे। समझ में आया मेरा बात? क्या क्वेश्चन है सर? मैं ना 6th में पढ़ता हूँ, और अभी मुझे 10th पास करने के लिए मतलब 4 इयर्स है, और मैं चाहता हूँ 4 इयर्स मतलब मेरा 1 करोड़ नेटवर्थ हो जाए। 1 करोड़ का नेटवर्थ? हाँ। अच्छा, ओके। तो और सर देखो, जब भी हाथ आगे लाइए, बिजनेस सीक्वेंस में होता है, प्रॉफिट बाद में। पहला पी क्या है? प्रॉब्लम क्या है? मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए वो बाद में। कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करूं कस्टमर मेरे बिना नहीं कर पाएगा, वहां से शुरू करना है। 1 करोड़ से शुरू, क्या पता आपको 10 करोड़ हो जाए, क्या पता 100 करोड़ हो जाए। तो इसलिए 1 करोड़ से शुरू मत करो, शुरू करो कस्टमर की प्रॉब्लम से। थैंक यू वेरी मच झा साहब। बिजनेस तो हर कोई बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं पता होता कि कैसे करूं मैं, तो वो सब हम यही सीखते हैं, विवेक सर के पास सीखते हैं। ऐसा प्रोग्राम मैंने आज से पहले कभी भी ज्वाइन नहीं किया था, ना ही कभी कहीं अटेंड करने को मिला। एक पहली बार बड़ा बिजनेस में इतना अच्छा कंटेंट और इतनी सरल तरीके से समझाया विवेक सर ने। जो 2 साल का MBA कोर्स है वो 3 दिन में मात्र पूरा हो जाता है। इतना
ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। जिस बंदे का जीवन में 3 से ज्यादा गोल है उसकी जिंदगी गोल गोल है। विवेक सर ने जो 8 स्टेप्स बताए हैं, 8 स्टेप्स यदि आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिए ना तो बाय गॉड आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक बहुत यूनिक चीज सीखी कि हर डिफिकल्टी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉसिबिलिटी छुपी होती है। 2 साल के MBA में नहीं सीख सकता था उतना मैंने यहाँ से सीखा है। 8 पीस जो मैं यहाँ पे सीखा, मुझे नहीं लगता इससे बेटर तरीके में पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सिखा सकता है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपना बिजनेस, अपनी बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी पर्सनल स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए पूरी दुनिया में एक ही प्रोग्राम है जिसका नाम है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। अगर आपको भी अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना है तो आइए बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम को अटेंड करिए। गेम चेंजिंग प्रोग्राम है दोस्तों।